हेलो एवरीवन, होगा ज़रूर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंपल से प्लांट यानी कि लक्की बांबू के बारे में जानने वाले हैं। लक्की बांबू जो एक्चुअली में बांबू वैरायटी का ना होकर वाटर लिली प्लांट है, बट एनी हाउ हम इसको घर में लगाते हैं पानी में, और लक के लिए लगाते हैं, फॉर्च्यून के लिए लगाते हैं, सुख समृद्धि के लिए लगाते हैं। तो बिल्कुल आपका ये पौधे का घर पर लगाना भी सही है, और आज के इस वीडियो में मैं ये लकी बाम्बू कैसे हमारे लिए लकी रह सकता है और कैसे हमें इस प्लांट की केयर करनी चाहिए कि इसकी ग्रीन ग्रीन लीव्स खूब बढ़ें, और जहाँ इनको देखकर, इन लीव्स को बढ़ते हुए देखकर हमें खुशी हो, वहीं इससे जो लक है, जो फॉर्च्यून है, जिसकी सबको भरपूर ज़रूरत है, जो धन दौलत है, वो हमारे घर में भरमार से और खूब अच्छे से आ जाए। इस वीडियो में इसी तरीके की छोटी छोटी टिप्स हम जानने वाले हैं, और साथ में ही आप ये भी जानेंगे कि आप इस लकी बांबू को, इस पौधे को कितने अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, पानी में, मिट्टी में, या फिर और किस तरीके से इसको फैंसी वे से लगाया जा सकता है, सिंपल तरीके से लगाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये लकी बांबू का प्लांट जो हम घर में लाते हैं, तो जनरली हमें छोटे से एक जार में, जो कि ग्लास या सेरेमिक का हो सकता है, उसमें मिलता है 2 लेयर 3 लेयर, इस तरीके से मिलता है 2 लेयर 3 लेयर। सिंपल बात है इसमें कि अगर अंदर एक लेयर गोल गोल घुमाई गई है एक पाइप के आसपास, और उसके ऊपर फिर एक लेयर घुमाई गई है, तो वो 2 लेयर हो गई। और अगर 3 बारी जो है इन बैम्बू की लेयर्स को घुमाया गया है, तो उसे 3 लेयर कह देते हैं। इट्स वेरी सिंपल। और इसको जो इस तरीके से बाइंड किया जाता है, वो भी बहुत सिंपली अंदर एक पाइप लगाकर। आप चाहें तो घर पे भी इसको बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। बैम्बू स्टिक्स को पेन के आसपास या कोई छोटा सा पाइप का टुकड़ा ले लो प्लास्टिक का, उसके आसपास इसको टाई करके रबड़ बैंड से या रेड रिबन से बना सकते हैं। इसको पानी में, अक्सर हमें जो मिलता है प्लांट, ये पानी में लगा हुआ मिलता है। पानी में ही इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। आप इसको थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करके अलग तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको, ये छोटी छोटी सी गोलियां जो हैं बहुत सस्ती स्टेशनरी शॉप से 20-25 रुपए में बस ये छोटी सी डिब्बी मिल जाती है, और अक्सर बच्चों के खेल खेल में ही जब हम इसको पानी में डिप करके रख देते हैं, तो 24 घंटे के करीब, पूरा दिन रात अगर आप इसको इसी तरीके से पानी में डिप रहने देंगे, तो ये बहुत छोटी छोटी जो चुन्नी चुन्नी सी गोलियां हैं, ये रंग बिरंगी फूल कर बड़ी हो जाती हैं। और ये बड़ी होने के बाद हमारा जो पौधा है, जैसे कि लक्की बांबू हमने लगाना है, उसकी जड़ों को भी एक जगह पर रोकने का काम कर सकती हैं। बड़ी आसानी से अगर हम इस तरीके की बॉल्स में अगर ये पौधा लगाएंगे, तो हमें बारी बारी पानी भी नहीं डालना पड़ेगा। जो बांबू का पौधा है वो खुद से इन गोलियों से पानी ले लेगा, और जब वो जो हमें सूखी सूखी सी लगे, तो हम फिर थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो आप या सादे पानी में लगाएं, वह छोटी छोटी सी सावधानियां भी आप ज़रूर जान लेंगे। तो अगर आप इसको पानी में लगा रहे हैं, तो पानी आपको फ्रेश, साफ सुथरा, और अगर आरओ लगा है घर में या एक्वागार्ड लगा है, तो वो वाला शुद्ध पानी ही लक्की बांबू के पौधे में देना चाहिए। और इस पानी को आपको हफ्ते में एक बारी, आप कोई भी एक डे फिक्स कर लीजिए जो आपका लक्की हो, उस आपके लक्की वाले दिन इस लक्की बांबू के पौधे का पानी भी आपको ज़रूर चेंज कर देना चाहिए। इसका जो पहले का पानी है, आप क्यारी वगैरह में डाल दीजिए, किसी और क्यारी में, और इसमें फ्रेश पानी ज़रूर डाल दीजिए। इससे होगा ये कि इस पौधे में फंगस, कीड़े मकौड़े नहीं लगेंगे, और ये पौधा बहुत अच्छे से बढ़ेगा। एक आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप इसको पानी में लगा रहे हैं, तो हफ्ते बाद पानी चेंज करते हुए उस पानी को ज़रूर चेक करें कि उसमें कोई भी कीड़े मकौड़े ना लगे हों। ऐसा होने पर तुरंत इस पौधे को बाहर धूप वूप लगवाएं, या उसको फिर मिट्टी विट्टी में लगा दें, क्योंकि एक बारी अगर इसकी जड़ों में फंगस लग जाए या इस बैम्बू प्लांट के अंदर कहीं से
कीड़े उत्पन्न होने लग जाएं या जर्म्स उत्पन्न होने लग जाएं, तो बारी 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 पानी चेंज करने के बाद भी वो पानी में नज़र आते रहते हैं, तो ऐसे में आपको जो प्लांट है वो चेंज कर देना चाहिए। एक और जो सावधानी आपको बरतनी चाहिए कि अक्सर हम देखते हैं कि हम लक्की बाम्बू लाए और कई बार तो लाते ही एक दो स्टिक्स येलो होती हैं, हम नर्सरी पर ध्यान नहीं देते, या फिर घर में लाने के थोड़ी देर बाद, थोड़े महीनों बाद इसकी केयर तो हम अच्छे से करते हैं, फिर भी कुछ स्टिक्स येलो हो जाती हैं, तो डोंट वरी, उसमें बिल्कुल ऐसा परेशान होने की बात नहीं है। या कई बार हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अगर इसकी कुछ स्टिक्स पीली हो रही हैं तो इट्स मीन्स क्योंकि ये लक्की बाम्बू है तो वो फॉर्च्यून पे फ़र्क आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस बात को इस तरीके से सोचना है कि एक्चुअली जब इसकी जो कुछ स्टिक्स हैं वो येलो हो जाती हैं, वो अगर कोई नेगेटिविटी हमारे घर में थी उसको ख़त्म करती हैं, उसी नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए कुछ स्टिक्स जो हैं वो येलो हो गई हैं, तो कोई बात नहीं, बाकी स्टिक्स तो हैं वो हमारा फॉर्च्यून है। और अगर बाय चांस धीरे धीरे पूरा पौधा मौसम के कारण या ठीक से लाइट ना मिलने के कारण पीला हो भी रहा है, तो आपका बिल्कुल भी इसको सोचना नहीं है और फिर से न्यू प्लांट आपको लगा लेना है और उसकी फिर से केयर करनी है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है हमेशा गोइंग ऑन चलती रहती है, हमें कहीं पर भी रुकना नहीं है। और यहाँ मैं आपको जो मैंने बोला था कि मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि इस लक्की बाम्बू को आप वाकई अपने लिए लक्की कैसे बना सकते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी जो टिप है और सबसे बड़ा जो तरीका है वो है अंधविश्वास नहीं, विश्वास। जी हाँ, अगर हमारे मन में उस चीज़ से विश्वास आ रहा है कि वो चीज़ लक्की है, तो वो श्योरली ही लक की लक और सौभाग्य ही लाएगी हमारे घर में। और उस पर जब ग्रीन लीव्स आती हैं और थोड़ी देर बाद वो लीव्स थोड़ी लंबी हो जाती हैं और वो ठीक से बढ़ता है, तो एक खुशी हमें मिलती है, हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है क्योंकि ये पौधा बढ़ रहा है तो हमारा लक भी काम कर रहा है। यही चीज़ें पॉजिटिविटी लाती हैं। सो आप इस तरीके के पौधे जो आपको खुशी देते हैं ज़रूर लगाएं। जब हम कोई पौधा लगा रहे हैं और मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, उस समय इस पौधे को लगाते हुए आप इसको और क्रिएटिव करने के लिए इसको फूलों की पत्तियों में लगा सकते हैं। यहाँ ये मैंने ओरिजिनल फ्लावर की लीव्स नहीं ली हैं। जब हमारे घर में इस तरीके का कोई भी गुलदस्ता रहता है, वो जो टूट गया या उसके फूल हम नहीं सजा रहे हैं, उन पत्तियों को, उन फूलों को आप बहुत ईजिली पीछे से उसका एक पाइप सा लगा रहता है वहाँ से उसको खोल देंगे तो वो पत्तियाँ अलग अलग हो जाती हैं। और उसको आप किसी भी तरीके से एक अपने कोई खुले से बाउल या प्लेट वगैरह में सजाएंगे तो वो बहुत ऐसे फेस्टिवल लुक लगती है। और फेस्टिवल में वैसे भी हम कोई डोरियाँ, चुन्नी, बंस वगैरह बांधकर एक थोड़ा एक्स्ट्रा लुक देते हैं घर को, तो उसमें आप अपने लक्की बाम्बू को भी इस तरीके की सिंपल और बहुत फर्स्ट क्लास लुक देख सकते हैं। और इसमें आप नीचे सपोर्ट देने के लिए वही जो छोटी छोटी बॉल्स हैं वो डाल सकते हैं और सिंपल पानी भी डाल सकते हैं, और उसके बाद आप अपना लक्की बाम्बू का प्लांट लगा दें और ये पत्तियाँ ऊपर से फैला दें। ये इतना अट्रैक्टिव लुक लगता है और फेस्टिवल, दिवाली वगैरह या और भी किसी त्यौहार के लुक को, या कोई घर पे आने वाला है तो इतना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन लगता है कि लक्की बाम्बू तो सब जानते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप इसको लगाएंगे तो ये बहुत ही आई कैचिंग और बहुत सुंदर लगता है। आप ट्राई ज़रूर करिए। आप चाहें तो डेली लगा सकते हैं, लेकिन मैं अगर दिवाली वगैरह फेस्टिवल होता है तभी इस तरीके से चेंजेस करती हूँ। जब भी आप पेबल्स या पत्थर यूज़ करें इस पौधे को लगाने के लिए, जो कि मैंने बोला मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है, तो उनको डायरेक्ट डालने की बजाय कोई भी डिटॉल वगैरह, हैंड वॉश या लिक्विड जो डिटर्जेंट हमारा रहता है, उससे थोड़ा पानी में डालकर उससे उन पेबल्स को एक बारी क्लीन ज़रूर कर लें। ये सब सावधानियाँ हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि भाई ये हमारा लक्की बाम्बू है और हम इसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देना चाहते। और इसका करने के लिए अगर आपके पास गिलास हैं, और गिलास का मुंह थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिस भी पॉट में आप लगा रहे हैं वो ग्लास का हो, सेरेमिक का हो तो अच्छा रहता है, उसका जो डायामीटर है वो ऐसा होने चाहिए कि जो स्टेम्स हैं लक्की बाम्बू की उससे एक एक इंच स्पेस हर तरफ बचनी चाहिए। और इसको किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, तो ये पौधा जो है लक्की बाम्बू का हम घर के अंदर ही रखते हैं, और घर के अंदर इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो नॉर्थ ईस्ट रहती है, सबसे बढ़िया
उत्तर पूर्व या ईशान कोण भी जिसको बोलते हैं, तो किचन में भी इसको आप रख सकते हैं, और किचन के पास जहाँ आप जो है आपको डायरेक्शन सूट कर रही हो, जैसे कि मैंने इसको माइक्रोवेव के ऊपर रखा है, वो डायरेक्शन मुझे सही लग रही है, वहाँ इस आप प्लांट को लगा सकते हैं। फिर इस पौधे को आप लाकर चाहें तो एक से दो पौधे भी बना सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको थोड़े दिनों में अगर लग रहा है कि इसकी कुछ स्टिक्स पीली हो रही हैं, तो आप उनको हटाते हुए एक और अलग से छोटा पौधा भी बना सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं, पानी इसका बदलते रहें। अच्छा, जब आप इसको पानी में लगा रहे हैं, तब आपको कोई इसमें खाद वगैरह नहीं डालनी है, इस पौधे को नहीं चाहिए खाद। इस बात का आपको ध्यान देना है कि या तो इस पौधे को पानी में ही लगाओ, सिर्फ पानी में, या फिर इसको अगर आप मिट्टी में लगा रहे हैं, तब आपको इसको पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देना है, तब आप इसको कम पानी देंगे। अब इस पौधे को जहाँ हमने ये सीखा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है घर में और घर के अंदर लगाना है, तो आप इसको घर के किसी अंधेरे कोने में नहीं लगाएंगे, और ना ही ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ सीधी ही धूप की किरणें पड़ती हों, तो जहाँ सेमी शेड हो, कोई ऐसी खिड़की हो जहाँ पर हल्की इनडायरेक्ट धूप आ रही है, सुबह सुबह की कुछ किरणें आ गई एक दो घंटे और उसके बाद वहाँ धूप तेज़ नहीं पड़ रही, ऐसी जगह पर आप लगाएंगे। और जहाँ आप इस पौधे को रख रहे हैं वहाँ साफ हवा भी ज़रूर, जैसे कि जहाँ आप अंदर इसके घर के अंदर रख रहे हैं, वहाँ या तो किसी खिड़की से या गेट वगैरह हमारे घर का खुल रहा है, तो उससे हवा ज़रूर इस पौधे को आनी चाहिए, क्योंकि हर प्लांट को, क्योंकि वो लिविंग है, उसको हवा की, लाइट की ज़रूरत पड़ती है। सो इफ़ यू आस्क माई सजेशन कि क्या घर में लक के लिए लक्की बाम्बू को लगाना चाहिए, तो श्योरली आई विल सजेस्ट यू, बिल्कुल विश्वास और पॉजिटिविटी के साथ आप इस लक्की बाम्बू को या कोई भी पौधा जो आपको अच्छा लगता है वो घर में ज़रूर लगाएं। उसकी केयर करें बिल्कुल सिंपल वाली, पानी बदलना है या उसको हवा चाहिए, उसको माइल्ड सी सनलाइट चाहिए इनडायरेक्ट, इस तरीके की सावधानियां बरतें, उसकी डायरेक्शन का ध्यान रखें। पौधा जब हरा भरा होगा, उस पर अच्छी अच्छी पत्तियां आएंगी, तो घर में धन की वर्षा, सुख समृद्धि भी ज़रूर ज़रूर आएगी। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई सोच के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ, कहाँ, नई वीडियो में, होगा ज़रूर चैनल पर। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।